मासूम की स्पेशल चाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी मैं कैंटीन आई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और टाइम है 10:30, जो कि हमारा रूटीन हो गया है। इसी वक्त हमारा जो है राउंड ख़त्म हो जाता है और सुबह तो हम लेट उठते हैं, तो सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। सुबह मैं सिर्फ चाय पीती हूँ क्योंकि माइंड को थोड़ा फ्रेश करना होता है, उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रह पाती हूँ 2 घंटे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी हैं मगर मेरे नसीब में इसमें से कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए है ब्लैक चने विद सैलड और साथ में एक वेजिटेबल ऑमलेट है। मैं प्रोटीन डाइट ही ज़्यादा खा रही हूँ आजकल क्योंकि मेरा वेट गेन हो गया है, और ऑयली फूड मैं नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे गले में दर्द हो जाता है। आज जो है हमारा एक स्पेशल डे है यहाँ पर, तो मैं आपको भी वहाँ ले कर जाने वाली हूँ। तो आज जो है यहाँ पे फेयरवेल है, जो कि एक स्क्वायर कंपनी की तरफ से है, वो एक फार्मेसी कंपनी है यहाँ पे। केजी के बच्चे जो है ना, वो लोग भी इतना शोर नहीं करते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे पूरा फिश मार्केट क्रिएट कर लिया है। तो ये जो रोज़ आप देख रहे हैं, ये हमारे लिए वेलकम रोज़ है। और अभी यहाँ पे ये कंपनी जो है अपनी तारीफ़ कर रही है कि कितने साल हो गए हैं, कहाँ कहाँ पे इनके प्लांट्स हैं। और उसके बाद कुछ स्पीचेस हुई और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया है ओथ लेना, जो कि बहुत ही इमोशनल फेज़ है। अभी ना कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है, बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। अब यहाँ पे कुछ गेम स्टार्ट हो रही है और साथ में कुछ लॉटरीज भी है, मैंने भी 2 ले ली है, देखते हैं मेरी किस्मत चमकती है या नहीं। मुझे ना 9th प्राइज मिला है। अभी हम लोग रूम पे जाएंगे और फिर ओपन करेंगे। प्रोग्राम ख़त्म हो गया है और निकलने से पहले हमें ये बैग्स दिए हैं इन लोगों ने गिफ्ट, और साथ में है लंच जो कि हम लोग रूम पे खाएंगे खाना। मैं रूम पे पहुंच गई हूँ और अब हम देखते हैं कि लंच में क्या क्या मिला है। यहाँ पे मिली है बुरहानी जो कि बिरयानी के साथ खाई जाती है, ये पानी की बोतल, एक कोल्ड ड्रिंक। और खाना जो है इसमें है यहाँ पे चिकन रोस्ट, शामी कबाब है, फिरनी है, और साथ में है मटन कच्ची बिरयानी जो कि मेरी फेवरेट है, आप सब लोगों को पता चल ही गई होगी अभी तक। तो अभी ना हम लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद मैं सो जाऊंगी लगभग 3-4 घंटे।
अभी ना मैं नींद से उठी तो मैंने सोचा पहले मैं गिफ्ट अपना अनपैक करूँगी, और यहाँ देखा तो मुझे बर्तन मिल गए हैं। इन्हें पता है कि लड़की जो है ये खाती भी है और पकाती भी है, तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। चलिए कोई नहीं, कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ मिल जाना। मेरी जो रूममेट है उसने बनाया है आज कोरियन स्पाइसी नूडल्स, और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आप लोगों में से किस किस ने ये ट्राई किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैंने ना 1 लीटर पानी पिया बट कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था। अब मैं दही ट्राई करूँगी, होप कि इससे ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी मैं आई हूँ फिर से हॉस्पिटल क्योंकि ये है नया दिन, और यहाँ पे ना गर्म माहौल है। स्टूडेंट्स का चल रहा है फाइनल प्रॉफ और बहुत डरावना माहौल होता है वहाँ पर। ये एक आंटी है, यहीं की लोकल विलेजर है, हमारे हॉस्पिटल में काम करती है। ये ना साइड में बैठ के पान बना रही थी और मैंने इसे कहा कि मुझे भी सिखाओ कैसे बनाते हैं। ठीक है सर। हाँ को तो पान खान देने सुपारी তারপরে এই যে পান খাওনি মানে চুন, এই যে চুন চুনা, হ্যাঁ চুনা, ইসিলে সবকো চুনা লাগাতে হো, এই যে দাঁড়াও, হ্যাঁ এই যে তারপরে মুখে দিতেছে আমার সবই শুদ্ধ। দাঁত দেখাও, দাঁত